नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं, क्योंकि ये इस साल का यानी साल 2023 का पहला इंटरव्यू है। और इस पहले इंटरव्यू के लिए हमने आमंत्रित किया है बहुत ही खास मेहमान को, गंधार देशपांडे जी को। संगीत के संस्कार, संगीत की परंपरा इनकी रगों में है, और मौजूदा समय में जो युवा कलाकार हैं उसमें इन्होंने अपनी मौजूदगी बहुत ही सशक्त तरीके से दर्ज कराई है। तो सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। नमस्ते नमस्ते सबको, मेरी भी शुभकामनाएं, आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यही दुआ है। तो गंधार, पहला प्रश्न तो अमूमन मैं ये पूछता हूं कि शुरुआत कैसे हुई थी आपके संगीत सफर की, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि आपके परिवार में परंपरा रही, पिताजी खुद बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित कलाकार रहे, ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि आपकी जो शिक्षा थी संगीत की, तालीम थी संगीत की, वो स्वतः शुरू हुई, मतलब खुद ब खुद आप आकर्षित हुए, या आपको एक दिन बुलाकर ये समझाया गया कि देखो ये हमारे परिवार की परंपरा है और इसको हमें आगे बढ़ाना है, क्या हुआ? दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा सही है? वैसे ये प्रश्न मुझे बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में, इवन इवन इन माय कॉन्सर्ट्स आल्सो। बट मेरा कहना यही है कि हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार का बहुत महत्व है। तो मेरा शिक्षण पहले मेरी माता जी से हुआ, पहले 4 साल, और फिर अभी लास्ट 17 साल से मैं पिताजी से सीख रहा हूँ। तो
उसके पहले का जो समय था, तो एक बॉर्न आर्टिस्ट करके एक कॉन्सेप्ट होती कि बॉर्न आर्टिस्ट होता है। तो बॉर्न आर्टिस्ट में तबले में था, और मैं 4-5 साल अच्छा तबला सीखा हूँ, मेरा एक हाथ सोलो भी हुआ है, बट बहुत बचपन में। तो उस टाइम गाना सिर्फ एक, दोनों माँ पिताजी गाते हैं तो गाने का संस्कार था ही, पर बहुत ज्यादा कल मेरा तबले के पास था, और उसका थोड़ा अंश मेरे गाने में अभी भी है, ये मैं मतलब कहना चाहूंगा। और गणेश जी की आशीर्वाद है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, हमारे ताल के देवता है। तो पहले सब तबला के और मेरा बहुत आकर्षण था, पर बाद में मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु को एक दृष्टि होती है हमारे संस्कृति में, कि गुरु को शिष्य के लिए एक दृष्टि होती है, और मेरे पिताजी ने एक लय का ढंग, उसकी आत्मीयता जो है लय की और तालों की और सोलो, इनका पूरा शिक्षण होने तक उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, पर एक दिन मुझे ये कहा कि गंधार, मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारा तबले से ज्यादा गाने में ज्यादा प्रगति हो सकती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, पर उसके पहले की बात मैं बता देता हूँ कि हमारे जैसे जो एक इस फैमिली में बॉर्न होते हैं, उनके पास ऐसा चॉइस ज्यादा होता नहीं है। सिर्फ मैं लकी था कि मेरे मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे, उन्होंने आज तक मुझे कहा नहीं कि तुम्हें गाने में करियर करना है, आज तक। वो मुझे समझ में आ गया कि हमारा जन्म इसके लिए हुआ है, बहुत छोटेपन में ही, कि ये हमें करना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो उसी हिसाब से फिर पढ़ाई और ये सब हमने प्लान किया, और फिर सब हुआ। और जो गाने की बात मैं बोल रहा था, तो एक आई थिंक सो थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में वगैरह में था, तब ये बात मुझे पिताजी ने बताई, तो मैं थोड़ा सा नाराज भी होता कि मुझे तबले में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों कर सकता हूँ। पर वो बोले कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बंद करो, पर तुम गाने में ध्यान थोड़ा बढ़ाओगे तो तुम्हें और मजा आएगा वही ताल का। तो वही हुआ, और सबसे पहले मैं सवाई गंधर्व में पिताजी के पीछे तानपुर पे बैठा, कि तब तक मेरा एक हाथ 1.5 साल का शिक्षण हुआ था, और माता जी के पास 4-5 साल, तो थोड़ा गाना मुझे आता था, बंदिशे वगैरह। तो पंडित सुरेश तळवलकर जी तबले पे थे पिताजी के साथ, तो उन्होंने बोला कि बेटे को बिठाओ, मुझे बताया वो अच्छा गाता है। तो हम सब डर गए कि ऐसा कैसे, पर उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रतिसाद सवाई में मिला, और सबसे यंगेस्ट शिष्य करके मेरा पेपर में नाम भी आया था फोटो के साथ, कि शिष्य होके इतना अच्छा गाया सवाई में। तो फिर वहां पे मुझे समझ गया कि यही मेरा लाइफ का काम है। जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंधार के पिता यानी पंडित रामदेश पांडे जी और माँ अर्चना देश पांडे जी दोनों ही शास्त्रीय संगीत के बड़े ही प्रतिष्ठित और सम्मानित कलाकार हैं। और ये इनके लिए सौभाग्य ही है कि माँ भी हैं और गुरु भी हैं और पिता भी हैं और गुरु भी हैं, यानी घर में ही गुरु और पिता दोनों, और दोनों का जो रोल है वो बड़ा दिलचस्प होता है कई बार, उस पर बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन गंधार, जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कई बार इंटरनेट पे यहाँ से वहाँ से जानकारियाँ बहुत सारी ऐसी मिल जाती हैं जो सही होती ही नहीं है। हम हमेशा अपने कलाकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने गुरु के संगीत परंपरा के बारे में भी बताएं। तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आप अपने पिताजी के बारे में भी और अपनी माँ के बारे में भी, कि उनके संगीत संस्कार, उनकी संगीत की जड़ें कहाँ से आती हैं, उसके बारे में भी हमें परिचित कराएं। जरूर जरूर, ये मेरा सौभाग्य होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा ही नहीं जाता और हमें हमेशा खंत रहती है। सो रियली थैंक यू। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे माताजी के बारे में, कि हमारी माताजी ये पहले बचपन से लाइट वोकल में उनको बहुत रुचि थी, और उन्हें उनका शिक्षण लिया है, वो ऑल इंडिया रेडियो की भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट है कुछ सालों से। और फिर जैसे ही अरेंज मैरिज के स्टाइल में हम बोल सकते हैं कि पिताजी से उनकी मुलाकात हुई, और फिर उनका शास्त्रीय संगीत से ज्यादा लगाव हुआ, तो वहां से उन्होंने लाइट वोकल छोड़ा नहीं, पर थोड़ा ध्यान क्लासिकल पे डाला, क्योंकि उनको डेप्थ समझ में आ गई कि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है। और उसी प्रकार से फिर उन्होंने पापा के पास शिक्षण, वो अभी भी ले रही इतने सालों से, और
मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने अच्छा वो लाइट गाती है, पर आज वो उतना ही अच्छा क्लासिकल म्यूजिक को प्रेजेंट करती और सिखाती भी है। और कम से कम 6 से 7 विद्यार्थी उनके ऐसे हैं जो पूरी तरह गाने पे कमा रहे। सो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है संगीत के जगत में। एक और वो परंपरा जो हमारे पिताजी पंडित डॉक्टर राम देशपांडे जी की है कि हम ग्वालियर, आगरा और जयपुर तीनों घराने का गायकी हम सीखे हुए हैं। उनके परंपरा के जो गुरु है वो पंडित यशवंत बुआ जोशी जी, जो ग्वालियर के बहुत नामचीन गायक हैं। फिर उनके बाद उनका शिक्षण पंडित उल्लास कशारकर जी के साथ हुआ, जो इन दोनों के पास सबसे डेप्थ में सीखना हुआ पिताजी का, ऐसा मैं कहूँगा। और बहुत पूरे दुनिया में पापा ने उल्लास जी और यशवंत बुआ जी को तानपुरे पे साथ करके अपना नाम कमाया। और फिर आगरा घराने का हमारे गाने में भी बहुत महत्व है, क्योंकि लयकारी का ढंग हमें बहुत पसंद है। तो आगरा घराने का शिक्षण पंडित बबनराव हडनकर जी के पास उनका हुआ, और उनके पास भी बहुत सारे रेयर रागस और लयकारी के जो अलग अलग ढंग है जो आगरा घराने में ही मिल जाते हैं, उनका शिक्षण पिताजी को मिला और आज हमारे गाने में उनका बहुत महत्व है। उसके बाद पंडित भातखंडे परंपरा में जो ग्वालियर गाया जाता है, तो उसमें पंडित यशवंत जी महाले, इनके पास 4-5 साल उनका शिक्षण हुआ। तो ऐसे 4 महान गुरुओं के पास पापा का शिक्षण 2006-07 तक चलते रहा, मतलब कम से कम 20-25 साल तक। और फिर उसी प्रोसेस में उस लास्ट 2000 आई थिंक सो नहीं तो 1997 के बाद उनका खुद का सोचना और खुद की गायकी बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी थी। और फिर उन्होंने अपने तरीके से आज तक 125 बंदिशियां रचना की है, और अपने हिसाब से वो शिक्षण भी दे रहे हैं लास्ट 25 साल से। और मुझे पकड़ के और 7 लोग ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनली कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गाने पे अपनी जीवन चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से। हमारे दोनों गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, मैं ऐसा कहूंगा। और जिस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं वो तो बहुत प्राचीन है, प्योर है। और मैं आशा यही करूंगा कि मेरे तरफ से भी ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल। और उल्लास जी की तो खासियत ही यही है कि आप मुश्किल से मुश्किल राग को वो इतनी सहजता से परोसते हैं, गाते हैं कि वो बहुत उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बहुत दुर्लभ हो रहा है। मतलब आप कहें कि एक कठिन चीज को आसान कर देना, और ये अपने आप में अलग अलग घरानों की जो आपने बात कही, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आगरा हो, ये सारे शास्त्रीय संगीत के इतने प्रतिष्ठित, और ग्वालियर तो सबसे प्रतिष्ठित घरानों में वैसे भी गिना जाता है, ये काम आसान नहीं है कि आप अलग अलग घराने की गायकी को साधें, लेकिन आप कर रहे हैं। और ये इसके पीछे जो आपने वजह बताई कि पिताजी की जो साधना है, उस साधना का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अब मुझे एक सवाल और बताएं अपने बचपन से जुड़ा हुआ, गंधार, जब आप छोटे रहे होंगे तो कलाकारों का घर आना जाना, घर में संगीत के कैसेट्स बजना या कुछ और माध्यम, रेडियो बजना, आप बचपन में किन कलाकारों को सुनते रहे ज्यादा? वैसे हमारे घर पे संस्कार सभी कलाकारों के हुए, मतलब मैं सभी घराने की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में हम 3 घरानों का सीखे हैं, पर घराना ये शब्द आता ही नहीं, क्योंकि हमारे परंपरा में हम जो गाते हैं वो आज की दुनिया में उसको यंग लोगों तक पहुंचाने के लिए हम किराना घराने का जो क्रमवार स्वर बढ़त है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, सो दैट जो स्टूडेंट्स है, जो नए लोग हैं, उनको भी राग दरी समझे हमारे कॉन्सर्ट से। और बाकी कामों में जो बोल बनाओ, बोल तान, बोल तान में तान मैं स्वरों में भी करता हूँ, जो ग्वालियर घराने के बहुत सारे गायक नहीं करते, पर मुझे उसमें रुचि है। और ये रुचि भी पापा के शिक्षण से ही आई है, क्योंकि हमारे परंपरा में जो शिक्षण परंपरा है उसमें पिताजी ने ये शुरुआत की कि सभी ताने पहले स्वर में आने चाहिए, कि आप क्या गा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, फिर हम आकार में उसको और अच्छी तरीके से गा सकते हैं। तो ये शिक्षण लेते वक्त मुझे ये समझा कि हमारे
तानों में भी हम काम कर सकते हैं जो बहुत सारे ग्वालियर जयपुर के गायक नहीं गाते। तो ऐसे नई परंपरा जो है वो हमने आत्मसात की है, और उसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन में हमने सभी आर्टिस्टों का सुनने के वजह से उसकी एक महत्व हमारे लाइफ में बहुत जुड़ी रही, कि ठीक है हमारे पूर्वज और जो लेजेंड्स है हमारे घराने के वो ये काम नहीं करते, पर जो दूसरा काम करते वो छोटा नहीं, वो भी अच्छा ही है। तुम अपना गाना बनाओ और उसको आत्मसात करने की कोशिश करो, जो तुम्हारा अच्छा है वो आप पेश करो। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी मेरे लिए भगवान है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत छोटा हूँ, सभी लेजेंड्स मेरे लिए भगवान की तरह, मैं उनको पूछता हूँ सभी घरानों के, और जिनसे जो भी लेना मुझे ऐसा लगा कि मैं ये ले सकता हूँ मैंने वो कोशिश की है अब तक। अच्छा और ये जी 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 हाँ अपनी बात को मतलब घर में जो आपने परंपरा के बारे में बात की कि जो घर पे सब आते थे और वो सब, तो इसलिए मैं बोलूँ कि ये संस्कार की भाग है कि हमें ये एक काम में इतना डीप ज्यादा समझ में आ गया बहुत छोटेपन से कि दूसरे काम में रुचि बढ़ने के समय ही नहीं था। थोड़ा स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पर वो छोड़ के बाकी चीजों में मुझे इतना इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि एक चीज में डेप्थ बहुत समझ में आ गई कि क्या मजा है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास कि मैं और कुछ करूं। बिल्कुल। और मैं देख रहा था आपके आपके 10th के 12th के और आगे के भी नंबर्स देख रहा था, नंबर्स भी आपके बड़े अच्छे खासे आते थे। तो ये बैलेंस, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें एक सीक्रेट भी है कि बैलेंस कैसे बनाएं। मतलब अगर आप एक संगीत के परिवार से आ रहे हैं जहाँ पर रियाज निश्चित तौर पर रोज करना है, अगर रियाज से कोई चीज़ बचा सकती है तो बस वो ये कि अगर बीमार पड़ गए तो शायद छूट मिल जाए कि आज छोड़ दो, चलो रियाज मत करो, वरना रियाज तो करना ही करना है और पढ़ाई भी करनी है, नंबर्स भी लाने। कैसे आपने और अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात है नहीं आपके लिए, मतलब आप बिल्कुल अभी यंग हैं, कैसे आपने बैलेंस किया इस पढ़ाई और रियाज के बीच में? आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो मैं उतनी आपको बात बताऊंगा कि सच में बताऊं तो मुझे बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं था। 7th 8th तक मुझे एवरेज ही मार्क्स आते थे क्योंकि मैंने कभी कुछ पढ़ाई ज्यादा की नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान गाने पे रहता था। हमेशा कोई भी शिष्य पापा के साथ तो जाके बैठ जाए, बंदिशे सीखे, रागदारी सीखे, कुछ समझ में नहीं आता था। और किसी को लगा भी नहीं कि मैं गायक बनूंगा मेरे 10th स्टैंडर्ड तक। आपको मजाक की बात बताऊं क्योंकि मेरा उतना कल था ही नहीं किसमें भी, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर मुझे खुद को भी एहसास हुआ मेरे 9th स्टैंडर्ड में, ये कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मार्क्स कम आए इसलिए मैंने गाना किया, ये किसी ने बोलना नहीं चाहिए। और कोइंसिडेंस ऐसे हुआ कि 10th स्टैंडर्ड में मुझे यही बात पापा ने कही कि देखो भाई पहले तुम 8 ये जो ये है वो लाओ, बाकी बाद में कुछ भी चलेगा। मतलब उनका ये कहना था कि 80% तक ला दो, फिर कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ाई में कम थे इसलिए गाना तुमने किया है। तो ये बात मुझे इतना पसंद आया कि मैं बोला कि चलो अभी थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ाई करेंगे। और यही बात मैंने जो 3 हमारे स्तंभ है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन, वहां पे मैंने अप्लाई किया। और मुझे ये प्रूव करना था कि मैं सिर्फ गाने में अच्छा नहीं हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, पर उसमें से मैंने गाना चूज किया है। तो ये पढ़ाई और बैलेंस की बात अगर आप पूछेंगे तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आपकी इच्छा और ताकत हो दिमाग और शरीर की तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं और वक्त निकाल सकते हैं। गंधार जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कल फिर इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उस हिस्से में बातचीत करेंगे उनके अब तक के संगीत सफर की उपलब्धियों पर। कल रात फिर हमसे जुड़िएगा ठीक 10 बजे इस वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में।